ये पक चुका है, पेड़ में ही पका है, अच्छा मीठा है। देखिए इसको खा लेते हैं अभी, एक और तोड़ लेता हूँ। ये भी पक चुका है। और ये देखिए धनिया का हाल यार, ये भी धूप के कारण जल रहा है। पत्ता देखिए पूरा ख़त्म है भाई धनिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज गए हैं दोस्तों सुबह के 6:30, और आज हम आए हैं गेहूं की कटाई करने के लिए गेहूं के खेत में। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है गेहूं, घास बहुत ज़्यादा उग चुका है। इधर देखिए मम्मी पापा और उधर भतीजी का कटाई कर रही है, चार लोग मेरे करके चार लोग हैं। कुछ इस प्रकार से कटाई किए हैं। देखिए घास बहुत ज़्यादा उग गया है, गेहूं उतना खास नहीं हो पाए, इसका देखभाल नहीं कर पाए हैं। ये देखिए दोस्तों इसी से कटाई करेंगे अभी गेहूं की। तो चलिए यार ज़्यादा देरी ना करते हुए कटाई करना स्टार्ट करते हैं। धूप लगने स्टार्ट हो जाता है फिर थोड़ी देर में, गर्मी का दिन आ चुका है। तो दोस्तों अभी 9:30 बज चुका है और अभी थोड़ा रिलैक्स लगा यार, क्योंकि धूप था बहुत देर से। अभी थोड़ा सा छाया आया हुआ है तो ठीक लग रहा है, वरना हालत ख़राब हो गया था। और कितना सारा कटाई किए हैं चलिए दिखाता हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों इतना सारा कटाई हो चुका है इस साइड का पूरा। वहाँ मम्मी बैठी है, वहाँ से लेकर पापा उस साइड है, वहाँ तक देखिए वहाँ तक पूरा कटाई हो चुका है। और अभी आधा हिस्सा मचा हुआ है, देखिए इस साइड आधा कटाई हुआ है, आधा हिस्सा मचा हुआ है। और इसके ऊपर में भी एक छोटा सा खेत है, ये देखिए इसमें भी गेहूँ है। अभी मात्र आधा कटाई हुआ है, 3 घंटे में 4 लोग थे और आधा मचा हुआ है यार। उसको देखते हैं अभी थोड़ा बहुत और कटाई करेंगे उसके बाद। आज तो सब कटाई नहीं हो पाएगा, एक और छोटा सा खेत है वो भी बचा हुआ है, लगभग 1-2 दिन लग जाएगा। और गेहूँ को बांध भी लिए हैं, चलिए दिखाता हूँ उसको भी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बनाए हैं गट्ठा जैसे, रस्सी में बांधे हैं, एक वहाँ पे रखा हुआ है, उस साइड भी बांध बांध के रखे हैं। मिजाई करेंगे तो पता चलेगा कितना सारा गेहूं निकलता है। अभी ऐसी गट्ठा में बांध बांध के रखे हैं। और अभी थोड़ा बदली आया यार, वरना बहुत धूप कर रहा था। चलिए थोड़ा बहुत और कटाई कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी 10:30 बज चुका है और अब एनर्जी ख़त्म हो चुका है यार, अब घर जाना पड़ेगा। 6:30 बजे से कटाई कर रहे थे, खाना वगैरह भी नहीं खाए हैं, अब हालत ख़राब हो गया, अब घर जाना पड़ेगा। बचे उसको कल देखेंगे, कल कटाई करेंगे। ये देखिए इस साइड तो उतने टाइम का कटाई कर लिए थे, इस साइड का थोड़ा एरिया और कटाई कर लिए हैं। इस साइड देखिए इस प्रकार से गट्ठा बनाए हैं और देखते हैं कल तक में हो सकेगा तो कटाई हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर अगले दिन करेंगे यार, कटाई तो करना ही है। और शाम को अब कटाई नहीं करेंगे, शाम को धनिया वगैरह है उसको हार्वेस्ट करेंगे, कल मार्केट जाऊंगा। और आज इसी को काटेंगे करके मार्केट नहीं गया, अब कल जाऊंगा यार मार्केट। चलिए थोड़ा धनिया वाले बाड़ी की तरफ घूम के आते हैं, देखते हैं क्या हाल है धनिया का, 2-3 दिन हो गया गया नहीं। अभी आ चुका हूँ दोस्तों मैं धनिया वाले बाड़ी के पास, और ये देखिए धनिया का हाल यार, ये भी धूप के कारण जल रहा है। पत्ता देखिए बहुत सारा पत्ता जल चुका है, इस साइड थोड़ा हरा भरा लग रहा है। इसी को हार्वेस्ट करेंगे बोल रहा था, एक लाइन में है, लेकिन जलना स्टार्ट हो चुका है यार, और रेट नहीं है बिकेगा कि नहीं पता नहीं। ये देखो इसमें का धनिया का पत्ता तो जलना स्टार्ट हो चुका है यार, बहुत सारा पत्ता जल चुका है, बहुत ज़्यादा धूप कर रहा है, उसी नाम से है। और दूसरे बाड़ी में भी है धनिया, उसको भी देखेंगे उसका पत्ता फ्रेश है कि नहीं, वो भी जल रहा होगा तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा यार धनिया में भी। और पालक भाजी में भी नुकसान हो चुका है दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा हो चुका है, रेट नहीं था तो सेल नहीं किया। चलिए दिखाता हूँ उसको भी। ये देखिए दोस्तों पालक पत्ता को,
इतना बड़ा बड़ा हो चुका है, एकदम बड़ा बड़ा हो गया है। रेट नहीं था यार उस समय, 20-30 रुपये सैकड़ा था तो सेल नहीं किया। देखिए बहुत बड़ा बड़ा हो चुका है। इस साल पूरा लॉस पे लॉस हुआ है यार, उतना कमाई ही नहीं हो पाया, बस घर खर्चा चलता है दोस्तों, कमाई नहीं है यार अभी खेती बाड़ी में। चलिए अभी दूसरे बाड़ी में चलते हैं, देखते हैं धनिया को। और दोस्तों इसी बाड़ी में एक केला का पेड़ है जिसमें फल पक रहा है यार, चलिए दिखाता हूँ। बहुत सारा फल तो पक चुका है, काफ़ी लिए हैं, चलिए दिखाता हूँ अभी। ये देखिए ये पक चुका है, पेड़ में ही पका है, अच्छा मीठा है। देखिए एक और तोड़ लेते हैं यार, ये देखो ये पक चुका है, इसको खा लेते हैं अभी। एक और तोड़ लेता हूँ, ये भी पक चुका है, ये देखिए लगभग सभी केला पक जाएगा एक आध हफ्ते में, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा दोस्तों। इसमें भी अभी लगभग एक आध दर्जन केला पक चुका होगा, 10-12 नग। ये देखिए दो को मैं तोड़ लिया हूँ खाने के लिए, अभी खाऊँगा भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, पानी बस पिया हूँ, अभी इसको खाऊँगा अभी। सो दोस्तों दूसरे धनिया वाले बाड़ी में भी पहुँच चुके हैं, और ये देखिए दोस्तों इसमें का भी पत्ता जलना स्टार्ट हो चुका है, पास से दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इसी प्रकार से जल रहा है पत्ता, ये देखिए उस साइड भी, देखिए पूरा ऊपर के जाते तक है यार धनिया, लगभग 4 किलो लगाए हैं धनिया। और इसके बगल में देखिए बरबट्टी का पौधा है, बरबट्टी में भी फल फूल आ गए हैं। पूरा ख़त्म है भाई धनिया, इस बाड़ी का भी पूरा पत्ता जलना स्टार्ट हो चुका है धनिया का, और बिकेगा या नहीं पता नहीं यार। अब सेल करेंगे मार्केट में, एक आध दो दिन ले जाके देखता हूँ, फिर पता चलेगा बिक रहा है कि नहीं। बहुत नुकसान हुआ यार इस साल, पत्ता गोभी भी बहुत सारा ख़राब हो चुका है, कीड़ा लोग खा गए और फट रहा है, उसको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा दोस्तों कितना सारा पत्ता गोभी का इस साल नुकसान हुआ है, बेच नहीं पाए हैं। और ये धनिया भी लगता है नहीं बिकेगा यार, वैसे भी धनिया का रेट नहीं है, और इस प्रकार से पत्ता जल गया है तो कोई शायद ही लेगा। अब कल मार्केट जाएंगे तो पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब जा रहा हूँ यार, नहाऊंगा खाऊंगा, अब बचा है गेहूँ उसको कल कटाई करेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पेंट कर देते हैं दोस्तों, कैसा लगा आज का ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना कुछ ऐसी खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने के लिए। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, जय हिंद जय भारत।